हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल देवा स्टडी पॉइंट IQ में। देवा स्टडी पॉइंट IQ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। इंडिया जी के मोस्ट इंपोर्टेंट 50 क्वेश्चन आल एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों। NTPC, ग्रुप डी, बैंक, SSC, CGL, SSC, राजस्थान पुलिस वाली आल एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन होने वाले हैं दोस्तों। चलो स्टार्ट करते हैं एक नंबर क्वेश्चन होगा, पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। इसमें राइट हो जाएगा दैनिक गति के कारण, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों। कमेंट में जरूर बताएं आपके कितने राइट हो रहे हैं दोस्तों। दो नंबर क्वेश्चन होगा, सबसे बड़ा ग्रह है। बृहस्पति, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों। तीन नंबर क्वेश्चन होगा, सबसे छोटा ग्रह है। बुध, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों। चार नंबर क्वेश्चन होगा, अघुलहास धारा किस महासागर में बनती है। हिंद महासागर में, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों। फाइव नंबर क्वेश्चन होगा, पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग क्रोड किसका बना होता है। आल एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, लोहा और निकल, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। सिक्स नंबर क्वेश्चन होगा, मैग्नीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है तो फर्स्ट किसका है, प्रथम देश कौन सा है। तो इसमें राइट हो जाएगा दोस्तों, रूसी संघ, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। सेवन नंबर क्वेश्चन होगा, निम्नांकित में से कौन देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है। अमेरिका, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों। एट नंबर क्वेश्चन होगा, निम्न में से किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। ओसाका, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों। नाइन नंबर क्वेश्चन होगा, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने की। तो इसमें राइट हो जाएगा दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। टेन नंबर क्वेश्चन होगा, 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। लॉर्ड कैनिंग, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 11 नंबर क्वेश्चन होगा, भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया। तो इसमें आपका राइट हो जाएगा दोस्तों, आर्य समाज ने, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन होगा, विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी है। इसमें राइट हो जाएगा नर्मदा नदी दोस्तों, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन होगा, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड किस संस्था ने स्थापित किया। इसमें राइट हो जाएगा सेबी, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों। 14 नंबर क्वेश्चन होगा, कुंडापुर एवं करवार कच्छ वनस्पति स्थान कहाँ स्थित है। कर्नाटक राज्य में, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कमेंट में जरूर बताएं आपके कितने राइट हो रहे हैं। भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी। दामोदर नदी पर दोस्तों, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 16 नंबर क्वेश्चन होगा, भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र कौन सा है। इसमें राइट हो जाएगा तारापुर परमाणु संयंत्र, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन होगा, यूनाइटेड किंगडम में शामिल है इंग्लैंड और उत्तरी आयरलैंड, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन होगा, आगरा शहर को किसने बसाया। तो इसमें आपका राइट हो जाएगा दोस्तों, सिकंदर लोदी, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन होगा, राष्ट्रीय प्रतीक के निचले भाग से उत्कीर्ण शब्द सत्यमेव जयते किस संदर्भ से लिया गया है। तो इसमें राइट हो जाएगा मुंडकोपनिषद, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों। 20 नंबर क्वेश्चन होगा, अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है। तो इसमें आपका राइट हो जाएगा ब्राह्मी लिपि है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। 21 नंबर क्वेश्चन होगा, बिहू निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय उत्सव है। तो इसमें आपका राइट हो जाएगा असम का दोस्तों, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है। तो राइट हो जाएगा दोस्तों, तमिलनाडु में, डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा।
23 नंबर क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेख सबसे पहले किसने किया? सुभाष चंद्र बोस। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था दोस्तों? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लंदन में दोस्तों। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? सरदार पटेल को दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। महात्मा गांधी को अधनंगा फकीर किसने कहा? महात्मा गांधी को अधनंगा फकीर किसने कहा? तो इसमें राइट हो जाएगा दोस्तों, चर्चिल ने। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। महात्मा गांधी निम्नलिखित में से किसके अधिक प्रभावित थे? किससे अधिक प्रभावित थे? तो इसमें आपका राइट क्या होगा दोस्तों, इसमें राइट हो जाएगा लियो टॉल्स्टॉय। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन होगा, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ? महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ? तो आपका राइट हो जाएगा 1869। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है, पंजाब केसरी के नाम से विख्यात थे? पंजाब केसरी के नाम से विख्यात थे? तो इसमें राइट हो जाएगा लाला लाजपत राय। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है? कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है? तो इसमें आपका राइट हो जाएगा दोस्तों, स्वर्ण रेखा। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। किस, सॉरी, 31 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है? किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है? तो इसमें आपका राइट हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। कितने वर्ष के पश्चात राष्ट्रीय जनगणना होती है? 10 वर्ष के पश्चात दोस्तों। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क है? काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क है, इसमें आपका राइट हो जाएगा दोस्तों, असम में। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ऑपरेशन फ्लड से संबंधित है? ऑपरेशन फ्लड से संबंधित है, तो इसमें आपका राइट हो जाएगा दोस्तों, डेयरी विकास। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन होगा, धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन सी है? धान की खेती के लिए तो दोमट मिट्टी होगी दोस्तों। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन होगा, कौन से भारत भारतीय शहर हेवी इलेक्ट्रिकल्स से संबंधित है? कौन से भारतीय शहर हेवी इलेक्ट्रिकल से संबंधित? तो राइट हो जाएगा इसमें भोपाल दोस्तों। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। भारत में हरित क्रांति का श्रेय जिस सुविख्यात कृषि औद्योगिक को जाता है उसका नाम है? तो इसमें राइट हो जाएगा दोस्तों, डॉक्टर वर्गीस कुरियन। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, राणा प्रताप सागर से संबंधित है? राणा प्रताप सागर से संबंधित है, तो इसमें आपका राइट हो जाएगा जल विद्युत। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन होगा, पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी किस स्थिति को होती है? तो 4 जुलाई दोस्तों। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका। 40 नंबर क्वेश्चन होगा, भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो आपका राइट हो जाएगा मुंडक उपनिषद। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, मुंडक उपनिषद। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन होगा 41, गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है? तो आपका राइट हो जाएगा ऋग्वेद। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों। 42 नंबर क्वेश्चन होगा, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? तो आपका राइट हो जाएगा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्राह्मी लिपि को किसने स्पष्ट किया? ब्राह्मी लिपि को किसने स्पष्ट किया? तो जेम्स प्रिंसेप। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, जेम्स प्रिंसेप ने किया दोस्तों। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आपका राइट हो जाएगा 28 फरवरी को दोस्तों, 28 फरवरी को। 45 नंबर क्वेश्चन होगा, राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस, इसमें राइट हो जाएगा 29 अगस्त को दोस्तों, 29 अगस्त। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों। कमेंट में जरूर बताएं आपके कितने राइट में हैं। 46 में, कंप्यूटर साक्षरता दिवस किस दिन मनाया जाता है? कंप्यूटर साक्षरता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसमें राइट हो जाएगा 2 दिसंबर को दोस्तों। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस किस दिन मनाया जाता है? केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस, तो इसमें राइट हो जाएगा 24 फरवरी को दोस्तों। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 24 फरवरी। हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? 48 में राइट हो जाएगा दोस्तों, 14 सितंबर को मनाया जाता है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को दोस्तों।
49 नंबर क्वेश्चन होगा, शिक्षक दिवस किस दिन मनाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, शिक्षक दिवस किस दिन मनाया जाता है? 5 सितंबर को दोस्तों। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन, किस दिवस किस दिन मनाया जाता है, किसान दिवस, सॉरी किसान दिवस किस दिन मनाया जाता है? इसमें राइट हो जाएगा 23 दिसंबर दोस्तों, 23 दिसंबर, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है सारे क्वेश्चन। धन्यवाद दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, बेल आइकन दबाएं जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। धन्यवाद।